रोजगार नहीं मिल रहे हैं। बड़ी बड़ी संस्थाएं जो रोजगार दिला सकती थी उनको बेचा जा रहा है, और जो रोजगार छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी, छोटे बिजनेस वाले बनाते थे, जो रोजगार किसान खेत में बनवाता था, मतलब खेती से बहुत रोजगार पैदा होते, ये तमाम चीजें बंद हो गई। क्योंकि छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार, वो भी बड़ी मुश्किल परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। उनपे सरकार की नीतियों द्वारा GST लगाई गई, नोटबंदी लगाई गई, उसके बाद कोरोना आया, लॉकडाउन हुआ, कमा नहीं पा रहे हैं। काफी ऐसे छोटे व्यापारी हैं जो कर्ज में भी डूबे हैं। अब किसानी की बात करें, यहाँ खेती करने से बड़े रोजगार पैदा होते थे। किसानों की समस्या ये है कि छुट्टा जानवर आपके खेत चलता है, दिन रात आपको चौकीदारी करनी पड़ती है, जितना राशन देती है सरकार उतना तो छुट्टा जानवर चल जाता है कि नहीं? आपको धान और गेहूं का दाम कितना मिल रहा है? 1200, 1200, 1400। आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और वहां हम 2500 दे रहे हैं, मालूम है आपको? आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस की सरकार है, पहले सुन लो, जो छुट्टा जानवर है वहां पे भी बहुत आतंक फैला रहा था, वहां पे भी बहुत समस्या थी। वहां की जो कांग्रेस की सरकार है उन्होंने एक नीति बनाई, योजना बनाई कि जो छुट्टे जानवर को घर में रखेगा उसे 2 रुपए किलो उससे सरकार गोबर खरीदेगी, ठीक है? सरकार ने गोबर खरीदी 2 रुपए किलो में, उसमें से गोबर गैस बनाया, उसमें से अच्छी अच्छी खाद बनाई और जनता को सुविधा हुई, जनता ने छुट्टे जानवर को अपने घर में, तो किसानों के कर्ज माफ कर सकती है। अरे आपके अगर सारे कर्ज जोड़े जाए ना तो उतने बड़े नहीं है जितने इन बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज है। आपको मालूम है कि इनके जो दोस्त है प्रधानमंत्री जी के, जो बड़े बड़े उद्योगपति है, 1000 करोड़ रुपए एक दिन में कमा रहे हैं, एक दिन में 1000 करोड़ रुपए। सोच सकते हैं आप, यहाँ के किसानों, उत्तर प्रदेश का किसान 27 रुपए प्रतिदिन कमा रहा है, वो भी मुश्किल से। बिजली के बिल इतने बड़े बड़े आ गए हैं, बिजली आती नहीं आती, बिल तो आएगा, आपको भरना पड़ेगा। जो मेरे छोटे दुकानदार और व्यापारी साथी हैं, इन्होंने कोरोना के समय बिजली के बिल भरे, लेकिन कोई धंधा ही नहीं था, कोई खरीद ही नहीं रहा था, बेच नहीं पा रही थी कुछ भी, दुकानें बंद थी। पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि मेरे किसान भाई, व्यापारी भाई बहन कोई नहीं कमा पा रहा। पेट्रोल डीजल के बिल भरने हैं, पेट्रोल खरीदना है, आप जानते हैं कड़वा तेल आपको कितने में मिल रहा है? 240 में मिल रहा है, कितने में मिल रहा है? 240 में। और आपकी दिहाड़ी कितनी है भाई? दिहाड़ी 200 है, एक दिहाड़ी में एक बोतल तेल नहीं खरीद पा रहे। तो इन परिस्थितियों में आज जीतने से 100 में पुरुषों में से 14 महिला होती है विधानसभा में, मालूम है आपको? तो आपकी भागीदारी नहीं होती, आपकी समस्याओं के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, आपको कैसे सशक्त करना है, अपने पैरों पे खड़ा करना है, कोई नहीं सोचता है ना? तो आजकल चाहे महिलाएं हो, चाहे यहाँ मेरे नौजवान साथी कितने हो, हाथ उठा, तो ये आपको मजा है नहीं? आपके तो सफेद बाल है, सफेद दाढ़ी होगी, चलो चलेगा। आप में से किसी को रोजगार मिला है 5 सालों में? नहीं मिला। और आपकी कितनी समस्याएं हैं, खाली खाली रोजगार पड़े हुए हैं, 12 लाख सरकारी रोजगार खाली है, मालूम है? आपको देने का काम नहीं किया। जो संस्थाएं थी जैसे BHEL, HEL, आप तो जानते हैं अमेठी में सारी तमाम संस्थाएं, राजीव जी, इंदिरा जी, सोनिया जी, राहुल जी ने जो लगवाई, NTPC, BHEL, HEL, ITI, सारी की सारी। काम है कि महिलाओं के बारे में सोचे। आज महिला आधी आबादी है कि नहीं?
परिवार में आधे सदस्य तो महिला ही होती है ना, तो आधी आबादी हूँ लेकिन राजनीति